इन दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 33 हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में हॉकी के क्षेत्र में जीता था। सख संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फाल्गुन होता है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा भारत में गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? भारत में गोदावरी नदी को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी दो शब्दों का समायोजन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी ये दो शब्द को का समायोजन किया गया है, यानी जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। कब? 21वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा। दो बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव है। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जे.के. रॉलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जे.के. रॉलिंग है। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत का 28वां राज्य कौन है? झारखंड है। गरीबी रेखा का माप कैलोरी खपत पर आधारित होता है। गरीबी रेखा का माप किस पर आधारित होता है? कैलोरी खपत पर आधारित होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल्य प्रवृत्ति पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या होता है? मांग का लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी क्या है? पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। चंद्रग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर या नीचे ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया है। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड क्या है? कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसको परिभाषित किया गया है? गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। राज्य गुजरात के बारे में दिया हुआ है। राज्य गुजरात, राजधानी गांधीनगर, जिसकी राजधानी गुजरात की कहाँ है? गांधीनगर है। क्षेत्रफल 196,024 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 6.04 करोड़, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 3.14 करोड़ और महिला की जनसंख्या 2.89 करोड़। लिंगानुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। गुजरात
क्या लिंगानुपात कितना है? 919 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता कुल 78% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 85.8% और महिला साक्षरता 69.7%। गुजरात की मुख्य भाषा गुजराती है। जिला गुजरात में कुल 33 है। उच्च न्यायालय अहमदाबाद है। राज्य दिवस गुजरात की राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। सीमा गुजरात की सीमा की बात करें तो पश्चिम से अरब सागर, पश्चिम में जो है अरब सागर है, उत्तर में पाकिस्तान है, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र है। पर्यटन केंद्र गुजरात का नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, साबरमती आश्रम, हड़प्पा स्थल लोथल, पोरबंदर, कांडला बंदरगाह, ये हैं। प्रमुख नृत्य गुजरात का गरबा और रास है, गरबा एवं रास है। प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति और जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी और मकर संक्रांति गुजरात का प्रमुख त्यौहार है। और डांगी दरबार, राघव राय मेला, ये सभी भी वहाँ के प्रमुख पर्व हैं। उत्पादन में अग्रणी कपास मूंगफली उत्पादन में गुजरात अग्रणी है। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। राष्ट्रीय पक्षी गुजरात का हंसावर है। राष्ट्रीय पशु गिरसी है। प्रथम राज्यपाल गुजरात के मेहंदी नवाब जंग थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेहंदी नवाब जंग थे। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवा राव मेहता थे। गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर जीवा राव मेहता थे। 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया था। गुजरात अस्तित्व में कब आया था? 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया। नर्मदा नदी को गुजरात का की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा ज़िला अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला कौन है? जनसंख्या के अनुसार अहमदाबाद है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा ज़िला डांग है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा ज़िला कौन है? डांग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल गुजरात में है। कर्क रेखा इस राज्य से राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात के इस राज्य के उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? भादर नदी है। इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। गुजरात राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन है? कांडला है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। द्वार समुद्र मंदिर होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। द्वार समुद्र मंदिर में क्या मिलता है? होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अस्तित्व क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है? मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादन देश चीन है। सबसे बड़ा कपास उत्पादन देश कहाँ है? चीन है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी क्या है? संसद के सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विषुवत से दूरी की किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को
कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्थान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्थान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टियोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। डेक्टियोलॉजी किससे संबंधित है? शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती है। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? इराक में बहती है। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। विकसित देश डेनमार्क क्या है? के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। प्राचीन यूनान में अपोलो को क्या माना जाता है? सूर्य देवता माना जाता है। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में पंचाल को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग की कृति लियोनार्डो द विंसी इटली है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो द विंसी, जो कि इटली के हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है। लोकसभा के लिए कोरम क्या होता है? कुल सदस्यों का 1/10 होता है, 1/10 होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 प्रति मिनट है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी बार है? 72 प्रति मिनट है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल कौन थी? औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में पर्ल हार्बर पर कौन हमला किया था? जापान ने हमला किया था। उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना था। उड़ीसा राज्य कब बना था? 1936 ईस्वी में राज्य बना था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर है। तो आपका पेज नंबर 33 जो था ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 34 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।